हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टू डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी और जनरल रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स। वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सब कुछ पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है आपसे कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो अभी बंद कर दो इसको। आपने पहले जाकर देखने हैं वो वीडियोज़ जो जिसमें मैंने वन डायमेंशनल मोशन के रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बिकॉज टू डायमेंशनल मोशन वन डायमेंशनल मोशन का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। तो इसमें तो हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक। तो आप देखो, जैसे कि वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव मोशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है, B की वेलोसिटी है VB और A की वेलोसिटी है VA, तो क्या था बच्चों? VAB क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, है ना। ये बताया था मैंने आपको वहां पर बी क्या था, जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब बी से ए को देखा जा रहा है, बी से ए को देखा जा रहा है। मैं अभी ये नहीं लगाता हूं, वन डी की बात चल रही है। बी से ए को देखा जा रहा है तो हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? वी ए माइनस वी बी, है ना। इसका फॉर्मूला था VA माइनस VB, जिसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक ये बताया था कि VA में से VB को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो B हमारा रेस्ट पे आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जब B से A को देखेंगे तो क्या नजर आएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि यार ग्राउंड से जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो और रोड सामने रोड है, वहां से कार निकली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप सीधा बोल देते हो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आप ये सोचते भी नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू वो, है ना। इसका मतलब जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तब जो दूसरे वाले की स्पीड होती है वही उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड होती है। तो बी से अगर ए को देखना है तो क्या नजर आएगा, उसके लिए बी को रेस्ट पे लाना जरूरी है। बी को रेस्ट पे लाना जरूरी है तो बी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? वीबी में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? वीबी। तो वही हमें फिर दूसरे वाले में से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सब वन डी वाले में मैंने आपको समझा दी चीजें, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। जैसे एक कार जा रही है ए 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और ये कार जा रही है बी 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का एरो थोड़ा छोटा, 70 किलोमीटर का बड़ा। तो वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि जब हम बी से ए को देखेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस 70 माइनस 20 किलोमीटर पर आर। हमारी ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव, है ना, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर वाली वैल्यूज को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो जब हमने निकाला ए को देखेंगे बी से तो माइनस 20 किलोमीटर पर आर आया, यानी कि जब ए से बी को देखेंगे तो बी 20 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी, और नेगेटिव वाली डायरेक्शन थी हमारी ये, ठीक है, क्लियर। सो इसमें क्या लॉजिक हमने लगाया? हम बी को रेस्ट पे ले आए तो हमने बी में माइनस 70 इंपोज किया, बी में माइनस 70 इंपोज किया तो प्लस 70 माइनस 70 ये गया, और वही माइनस 70 इसमें भी इंपोज किया तो 50 हट गया और यहां पे कितना बचा? 20। यानी कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले की वही दूसरे वाले की रिलेटिव वेलोसिटी होती है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये बेसिक फंडा था, ठीक। अच्छा, लेकिन हम तो अब पढ़ रहे हैं टू डायमेंशंस में,
तो हम क्या करें? अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टू डायमेंशन के फॉर्मूले, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट ही ऐसे बनाए गए हैं। ये मैंने चीज पहले भी आपसे डिस्कस करी होगी कि टू डायमेंशन के फॉर्मूले बिना वेक्टर साइन के आपने लिखे, सेम फॉर्मूला चलेगा वेक्टर साइन के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन है ना, वन डायमेंशन के फॉर्मूले आपने इस तरीके से लिखे बिना वेक्टर साइन के, बिकॉज वन डी में वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, दूसरे को नेगेटिव लो, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला चलेगा टू डायमेंशन में भी वेक्टर साइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए। इसको भी हम खूब डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ये हुआ क्या। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्मूले के ऊपर आप वेक्टर साइन लगा दो, ठीक है। अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अब हमारा जो है वो 2D में चल रहा है काम। 2D में चलने की बजाय मान लो ए इधर जा रहा है विद वेलोसिटी वी ए और बी इधर जा रहा है विद वेलोसिटी वी बी। एरो छोटा बना है वी बी का, तो इसका मतलब है बी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है ए की वेलोसिटी से, ठीक है। इस तरीके से कुछ काम हो रहा है। अब सपोज मुझे निकालना है वी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको मैंने बना लिया ऑब्जर्वर, यहां से देखा जा रहा है, यहां से इसको देखा जा रहा है। तो देखें जरा क्या होगा, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, यहां से इसको देखा जा रहा है। तो फॉर्मूला कहता है वी ए माइनस वी बी। आप लोग ये अच्छे से जानते हो, वेक्टर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि दो वेक्टर्स का जो सम है, मैग्नीट्यूड्स का नहीं, वेक्टर्स का, यानी आई जे के की फॉर्म में जब मैं लेता हूं, दो वेक्टर्स का जो सम है वो है उन दोनों का रिजल्टेंट। R is sum of R vector is sum of vector A and vector B का मतलब है कि R is resultant of A and B। इस तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये कहूंगा कि वी ए प्लस माइनस वी बी है ना, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी। यानी कि ऑब्जर्वर, अब ये वी बी ए है ना, तो माइनस वी बी ए होगा, माइनस वी बी, और वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट। लॉजिक बताऊंगा इसका मैं अभी, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट। अब ये वाला वेक्टर हमारा मेन नहीं रहा, ये हमारा मेन वेक्टर हो गया, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट होगा ये V A B, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये ठीक, ये फॉर्मूला कह रहा है, ठीक, ये फॉर्मूला हमारा कह रहा है, ठीक है भाई। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक अभी भी वही है कि हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ले आए, हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ले आए, और ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाके जो भी बचा, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाके दूसरे में जो भी बचा, वही दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्या किया हमने? हमने माइनस वी बी दोनों पे इंपोज किया। जरा बात को ध्यान से समझना, हमने माइनस वी बी दोनों पे इंपोज किया, ए पे भी और बी पे भी। देखो ऐसा था ना हमारा, ये वी ए ये था और वी बी ये था, हमने दोनों पे इंपोज किया क्या? माइनस वी बी, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाना, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे कैसे आएगा? दो बार इंपोज करेंगे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, दो ही बार तो किया था, एक बार माइनस 70 इस पे इंपोज किया, ये रेस्ट पे आ गया, फिर वही माइनस 70 इस पे भी इंपोज किया। इसी तरीके से माइनस वी बी इस पे इंपोज किया, माइनस वी बी, माइनस वी बी इस पे इंपोज किया, ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। इसको रोक दिया हमने, ऑब्जर्वर को रोकना होता है, आपने बहुत डिटेल में ये बात करी हुई है हमने 1D वाले में, ये रुक गया, खत्म हो गया, वी बी गया। लेकिन दूसरे वाले पे भी तो माइनस वी बी इंपोज करना है ना, दूसरा वाला कौन सा, वो जो पहले अभी हमने माइनस वी बी इंपोज किया वो तो वी बी पे किया, अब हमको माइनस वी बी इंपोज करना वी ए पे है ना, तो वो उसका वाला ये रहा,
जो VA पे इंपोज किया वो ये। अब ये दो बचे, जैसे यहां पे दो बचे थे, यहां पे कौन से दो बचे थे, 50 ये था, यहां पे 70 इधर था, माइनस 70 इधर, ये गया, फिर वही माइनस 70 हमने इस पे इंपोज किया तो दो बचे, 50 इधर माइनस 70 मतलब इधर 70 है ना, तो 50 इधर 70 इधर, फिर इनका रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट ही तो हुआ, 70 इधर है, 50 इधर है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, आपने सब्ट्रैक्ट किया, बोला इधर आएगा 20, इस तरफ आएगा 20 इस तरफ, तो वो आंसर कितना हो गया, माइनस 20। तो वहां पे भी हमने वही किया, जो 1D में कर रहे हैं वही 2D में कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना आ जाता है बच्चों की 1D में स्ट्रेट लाइन में ही रहता है ना, तो यहां तो रिजल्टेंट आता VA प्लस VB, यहां रिजल्टेंट आता VA माइनस VB, बिकॉज अगर वेक्टर स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दोगे, अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस यहां पे क्या होगा कि रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा अंडर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा वाले फॉर्मूले से, ये भी हमने वही निकाला, बट वो तो हमको पता है कि सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन यहां पे आएंगे किसी और में, एंगल आएगा अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो बस नॉर्मल रिजल्टेंट निकालो, जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें भी निकालो, ठीक है। अब ये बचा हमारे पास, अब ये बचा तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये हमारा बन गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा लॉजिकली पकड़े, हमारा जो VB था वो इधर जा रहा था है ना, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, चलो ये तो मैथमेटिकली हो गया, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि VB हमारा इधर जा रहा था और VB यहां पे था, तो VB जब VA को देखता है चलते हुए है ना, अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलते हुए, VB जब VA को देखता है तो उसे VA ऐसा नहीं ऐसा जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है, और इस वेलोसिटी से नहीं इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा जो ये आएगी, ठीक है ओके। चलो इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं और बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। देखो फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन है कि एक कार जा रही है ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट है ना, ये ईस्ट की तरफ मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से ओके, और एक ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो चलो अब शुरू करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि ऑब्जर्वर हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हमारा हो गया कार, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार वेक्टर में है ना। तो हमने क्या करना है, VC को, इसका मैं अभी तुमको दो तरीके से कराता हूं, एक तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग, दूसरा मैं तुमको कराता हूं और भी उससे भी छोटे तरीके से, तो देखते रहना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस मतलब कि ये बना लो इधर है ना, तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अब दोबारा बनाया इधर इसके साथ माइनस VC, तो VT और माइनस VC का रिजल्टेंट यानी कि ये, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, समझ में आई बात। अब निकाल लो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, तो VTC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, VTC का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी कि 900 प्लस 1600 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब
कार में से कोई ट्रेन को देखेगा ना, तो ट्रेन एक्चुअली में तो नॉर्थ की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर पर आर से, लेकिन जब कार में से कोई ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी 50 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से। इस तरफ किस तरफ, ये एंगल तुम बता सकते हो, ये एंगल कितना होगा बच्चों देखो, ये है 30, ये 30 होगी साइड, और ये है 40, ठीक, और ये है 50, ये थीटा है, तो साइन थीटा होगा 40/50, सॉरी कॉस थीटा है ना, ये साइन थीटा होगा 30/50, 3/5 मतलब 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री। आपको एंगल्स मालूम है ना, मैं बार बार सिखा रहा हूं आपको, 3, 4, 5 जो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है हमारा, उसके ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो होते हैं 53 डिग्री और 37 डिग्री। 53 बड़ा एंगल बड़ी वाली साइड के सामने वाला, ये रहा 53, 37 छोटा एंगल छोटी वाली साइड के सामने वाला। तो हमारा क्या था, साइन थीटा 3/5 यानी कि 37 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 37 डिग्री। सो पूरा आंसर हमारा क्या है, टू अ मैन सिटिंग इन द कार द ट्रेन अपीयर्स मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, जब नॉर्थ से हम एंगल लेते हैं तो देखो किस तरफ लिया है, तो इस तरीके से बताना है, वेस्ट की तरफ लिया ना जैसे, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। चलो वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड में क्या करना है, फिक्स कर लिया हमने जो हमेशा से फिक्स किया हुआ है अपने सारे वीडियोस में हमने, कि ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये रहा फॉर्मूला, सब वेक्टर फॉर्म में निकाल के सीधा फॉर्मूला लगा दो। फॉर एग्जाम्पल VT, ट्रेन किधर जा रही है, प्लस वाई की तरफ 40 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से, तो VT वेक्टर इज 40 जे कैप, और कार की वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ थी ना 30 किलोमीटर पर आर, तो VC वेक्टर इज 30 आई कैप, खत्म क्वेश्चन। VTC इज 40 जे कैप, VT माइनस VC, 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, खत्म। यहां मैं लिख लूं माइनस 30 आई कैप वाला पहले लिखते हैं ना, माइनस 30 प्लस 40। डायरेक्शन कैसे पता चले भाई, ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये जो है माइनस 30, 40 का पोजीशन वेक्टर है, और माइनस 30, 40 किधर लाई करेगा, ऑब्वियसली यहां लाई करेगा, माइनस 30 यहां होगा, 40 कहीं यहां होगा, ये हमारा पॉइंट होगा माइनस 30, 40। तो हम तो इसी मेथड से करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें 50 कहां फिट हुआ, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ वेलोसिटी का, कि भाई कितनी वेलोसिटीज जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 50, ठीक है। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, कि जैसे मान लो एक बॉडी है ऐसे जा रही है, मान लो कार ए नॉर्थ की तरफ विद 50 किलोमीटर पर आर, ठीक, ये, और एक जा रही है इधर, मान लो यहां से ये हमारा है ईस्ट, है ना, ईस्ट से दिया हुआ है 60 डिग्री के एंगल पे, या मान लो 53 डिग्री के एंगल पे इधर जा रही है सपोज 40 किलोमीटर पर आर से कार बी, ये 40 है ना, ये एरो थोड़ा छोटा बना ले हम तो बढ़िया रहेगा, ऐसा बना लो, डायग्राम भी जस्टिफाइड होना चाहिए ना, ठीक। तो ये जा रही है बी बॉडी, इसकी वेलोसिटी हो गई हमारी VB। अब क्वेश्चन है हमारा वही, फाइंड
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए बी. वी ए बी हमारा क्या है, वी ए माइनस वी बी. वी ए बी हमारा क्या है, वी ए माइनस वी बी. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. वेक्टर फॉर्म में करेंगे इसको हम. ठीक, अब देखो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से करेंगे. ए वेक्टर तो हमको मालूम है, ए वेक्टर कितना है, 50 j कैप किलोमीटर पर आर. बी वेक्टर क्या है बच्चों, वेक्टर बी हमारा बीच में है ना, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट हुआ बच्चों वी बी कॉस 53, और ये कंपोनेंट हुआ बच्चों वी बी साइन 53. ठीक, तो चलो वी बी वैक्टर हमारा क्या बना, वी बी कॉस 53 आई कैप माइनस वी बी साइन 53 जे कैप. ठीक, सो माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस में है ना, तो माइनस वी बी साइन 53 जे कैप. वी बी कितना है हमारा 40, कॉस 53 होता है 3/5, ट्रायंगल बना के आप निकाल सकते हो. माइनस वी बी 40 साइन 53 होता है 4/5 जे कैप. ये कटेगा 8 × 3 = 24 आई कैप माइनस 8 × 4 = 32 जे कैप. क्वेश्चन खत्म. वी ए बी इज वी ए 50 जे कैप माइनस वी बी 24 i कैप माइनस 32 j कैप माइनस 24 i कैप 50 j कैप प्लस 32 82 j कैप वी ए बी. अगर मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं करनी है हमको क्वेश्चन में, जरूरत ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहां कंप्लीट हो चुका है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज दिस. ठीक है, अच्छा लेकिन मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, मैग्नीट्यूड निकाल लो. ये रहा मैग्नीट्यूड, ठीक. अच्छा इसको प्लॉट करें, माइनस 24 आई कैप प्लस 82 जे कैप. माइनस 24 आई कैप होगा बच्चों इधर कहीं, माइनस 24 आई कैप यहां मान लो माइनस 24 आई कैप, ये 50 है ना, 82 तो काफी ऊपर होगा, यहां कहीं ये हो गया हमारा ये वाला वेक्टर, ये माइनस 24 आई कैप प्लस 82 जे कैप. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ये हुआ कैसे, इसको अब इस फंडे से भी कर लो. ठीक है, जैसे कि हमारा अगर हम इस तरीके से चलें कि भाई ये माइनस वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट है, तो ये हमारा वी ए था, ठीक है, और माइनस वी बी हमारा ये था, माइनस वी बी हमारा ये था. वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने, माइनस वी ए और माइनस वी बी, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है. इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलेलो कंप्लीट करना पड़ेगा. पैरेललोग्राम जब कंप्लीट करोगे बच्चों तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा. एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ऐसा पैरेललोग्राम बनेगा, ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये है इसका डायगोनल. समझ में आई बात, हर तरीके से समझ में आनी चाहिए ना बात. और अब अगर आपको बताना है कि ये कितने एंगल पर है, तो ये एंगल आप निकाल के बता सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल से. इसकी लेंथ है 24 और ये है हमारा 82. सो दिस एंगल विल बी टैन इनवर्स, दिस एंगल विल बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये
दिस एंगल विल बी टेन इनवर्स 24 बाय 82। ठीक है, टेबल से हम देख लेंगे कि वो जो भी एंगल आता है तो उतने एंगल पर ऑब्जर्व करेगा बी ए को जाते हुए इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पर। ये एंगल हमारा किससे होगा? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आई बात? तो आप ये वेक्टर मेथड अप्लाई करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारा किसी और तरफ होता तो उसके भी कंपोनेंट्स लेके वेक्टर बना लिया, इसके भी, दोनों को वेक्टर बना लो, सीधा फॉर्मूला लगा लो वी ए माइनस वी बी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो इससे निकाल लो, एंगल निकालना हो इससे निकाल लो। ये तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बात करी थी। ये सब चीज़ें आपको तो क्वेश्चन में नहीं करनी, आपका तो ये वेक्टर आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का, ये मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, बट कॉन्सेप्ट हर तरीके से समझ में आना चाहिए, तो ये मैंने इंक्लूड किया। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी को 2D में इस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स, वो सब रिलेटिव मोशन इन 2D के अलग अलग तरीके से एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट यही है जो हम उन सब में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए स्पेसिफिकली दो चार बातें पता होनी चाहिए, तो उस पर हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ताकि वो चीज़ अच्छे समझ में आए। ठीक, मैं चलता हूँ, आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। ठीक।